हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूं यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वाइवर सीरीज की बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, मेरे पास बहुत बड़ी एक्सप्लोसिव न्यूज है जो सुनकर आप एकदम शॉक हो जाएंगे। आखिर कौन सी बड़ी अपडेट आई है रिगार्डिंग सर्वाइवर सीरीज, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। दोस्तों, आज का रॉ एकदम डिजास्टर था, वैसे ही डिजास्टर जैसे हेल इन अ सेल की एंडिंग थी। और दोस्तों, यूनिवर्सल चैंपियन सेथ रॉलिंस को लाया ही नहीं गया ऑन टीवी। इतना ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं सेथ रॉलिंस को क्राउड के गुस्से से। और मैं आपको बता दूं कि साशा बैंक्स एंड द फिन दोनों ही इंजर्ड हो गए थे हेल इन अ सेल में, और वो मेडिकली क्लियर नहीं हुए थे आज के रॉ में कम्पीट करने के लिए। और दोस्तों, आज के पूरे रॉ की हाईलाइट थी टाइसन फ्यूरी। रॉ खत्म होने के बाद हमें एक डार्क मैच देखने मिली बिटवीन सिजारो एंड द मिज। और दोस्तों, इस मैच में हमें द फीड का इंटरप्शन देखने मिला और उन्होंने मैंडिबल क्लॉ दे दिया सिजारो को। तो आप देख सकते हैं कि मेडिकली क्लियर ना होने के बावजूद फीड ने शो अप किया और अटैक किया सिजारो पर। WWE अपने बेटे सेथ रॉलिंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्राउड के गुस्से से। आपको याद होगा कि रेसलमेनिया 33 के बाद के रॉ में रोमन रेंस को क्राउड के गुस्से का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने हरा दिया था अंडरटेकर को। रोमन रेंज आए और क्राउड का सामना किया, बट हम ये चीज नहीं कह सकते सेथ रॉलिंस को। दिस गाय इज अ टोटल फेलियर। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट बड़ी अपडेट के बारे में जो जुड़ी है सर्वाइवर सीरीज से। दोस्तों, November 24 को होने वाला है सर्वाइवर सीरीज, जो बहुत ही बड़ा इवेंट होता है जहां पर हमें ब्रांड वर्सेस ब्रांड की मैचेस देखने मिलते हैं। और दोस्तों, ये पेपरव्यू होने वाला है ऑल स्टेट अरेना में, और यही अरेना बहुत बड़ी 5-on-5 ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज मैच को एडवर्टाइज कर रहा है। दोस्तों, रॉ से होंगे ब्रॉन स्ट्रोमैन, रे मिस्टीरियो, द मेज, रिकोशे एंड ड्रू मैकइंटायर। और दोस्तों, स्मैकडाउन से हो सकते हैं रोमन रेंस, फिन बैलर, केविन ओवंस, डैनियल ब्राइन एंड एलेस्टर ब्लैक। पर दोस्तों, आज के रॉ में एलेस्टर ब्लैक ने रॉ पर शो अप किया है, तो ये कार्ड चेंज हो सकता है। और दोस्तों, हेल इन अ सेल के पेपरव्यू के बाद WWE ने एक बहुत ही वियर्ड सा ट्वीट डाला था, जहां पर उन्होंने लिखा था कि सेथ रॉलिंस अपना यूनिवर्सल चैंपियनशिप फिर से डिफेंड करेंगे अगेंस्ट ब्रे वाइट ऑन November 24 सर्वाइवर सीरीज इवेंट। और दोस्तों, ये ट्वीट फिर उन्होंने डिलीट कर दिया। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर ब्रांड वर्सेस ब्रांड होने वाला है तो फिर ये वाला मैच पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेथ रॉलिंस एंड द फीड दोनों रॉ के हैं। इसलिए दोस्तों, काफी सेंस बनता है कि अगर सेथ रॉलिंस यूनिवर्सल चैंपियन रहते हैं टिल सर्वाइवर सीरीज, तो फिर हमें यूनिवर्सल चैंपियन सेथ रॉलिंस वर्सेस WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर की मैच देखने मिल सकती है सर्वाइवर सीरीज में। एंड आई होप कि अगर ऐसी मैच होती है तो ब्रॉक लेसनर तोड़ के रख दे सेथ रॉलिंस को बहुत बुरी तरह से। पर दोस्तों, एक बात है कि काफी मजा आने वाला है इन द कमिंग टाइम। दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप कितने एक्साइटेड है सर्वाइवर सीरीज के इवेंट के लिए। तो गाइस, प्लीज 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।